गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 3 सितंबर शिफ्ट 2 में जो अपना जेईई मेंस 2020 हुआ है उसके मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन देख रहे हैं। पेपर अगर मैं एनालिसिस करूं तो पेपर आसान था, पेपर कॉन्सेप्चुअल तो बहुत ही आसान था, सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए आए थे, बस कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा बहुत उन्होंने एक दो क्वेश्चनों में फंसाने की कोशिश की है। जहां तक हमें पेपर रिट्रीव हुआ है बच्चों से उसके बेस पे मैं बोल रहा हूँ कि वो पेपर आसान था, और उसी के ही बेस पे ही हमारे पास कुछ 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, और क्वेश्चन थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, सॉल्यूशन तो नहीं होंगे लेकिन क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा मामला मेमोरी बेस है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन से। पहले क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि भाई इसका हमें इंटीग्रेशन करना था, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx, ये हमें k बाय 6 दे रखा है, तो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, कि भी k की हमारे पास वैल्यू क्या होगी। अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इस तरह के इंटीग्रेशन में हम x को क्या रख देंगे, साइन थीटा, x को साइन थीटा रखेंगे और फिर इस इंटीग्रेशन को करेंगे। मैं थोड़ा फास्ट करूंगा जैसे अपनी जल्दी जल्दी आप रियल टाइम में क्वेश्चन को कैसे करने थे वो देखें। अब जैसे x को मैंने साइन थीटा रखा, x अगर 0 है तो थीटा 0 है, x अगर 1/2 है तो थीटा पाई बाय 6 है, ठीक है। x स्क्वायर रखूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये dx कितना हो जाएगा, cos थीटा d थीटा हो जाएगा ये, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। व्हाट इज दिस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan थीटा माइनस थीटा, और लिमिट 0 से लेके पाई बाय 6 हम लगाएंगे, तो टेन पाई बाय 6 दैट विल बी 1/√3 और थीटा विल बी पाई बाय 6, तो ये हमारे पास आ गया 1/√3 माइनस पाई बाय 6। अब इस अगर मैं इसमें 6 बाय 2√3 से मल्टीप्लाई कर लूं तो नीचे भी 6 बन जाएगा, तो √2√3 माइनस पाई अपॉन 6, तो दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ के, कि भाई ये हमारे पास के की वैल्यू होनी चाहिए 2√3 माइनस पाई। फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये हमें इलिप्स दे रखा था, ये हमें एक हाइपरबोला दे रखा था, और उनकी इसेंट्रिसिटी का मल्टीप्लिकेशन 1 दे रखा था कि e1 into e2 is 1, तो हम स्टैंडर्ड इलिप्स मान लेते हैं कि भाई हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा, और इसकी इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, अंडर रूट, ये क्वेश्चन नंबर 1 था अपने पास, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं, अंडर रूट 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होगी, अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 16, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमें 1 दे रखा है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस विल बी 1। अब हमने इसका स्क्वायर कर लिया, ये स्क्वायर कर लिया, ये स्क्वायर कर लिया, ये स्क्वायर कर लिया, ठीक बात। अब इसको अगर हम सॉल्व करें 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 25 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 16 प्लस बी की पावर 4 अपॉन 16 इंटू 25 इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर कट जाएगा, 25 इंटू 16 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ माइनस 16, ये माइनस होगी, माइनस आएगा यहाँ पे माइनस 16, यहाँ पे प्लस 25, तो प्लस 9 बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी की पावर 4 इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर कितना आ गया 9, तो बी स्क्वायर अपने पास 9 आ चुका है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब बी स्क्वायर अपने पास 9 आ चुका है तो हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बिटवीन फोकली ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला, बी स्क्वायर 9 है तो इसकी इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला इलिप्स की इसेंट्रिसिटी ई लिखा हूं मैं, तो 9 लिखेंगे, तो अंडर रूट 1 माइनस 9 बाय 4 ये हो जाएगा 4/5, ठीक, इसकी सेंट्रिसिटी 4/5 है, a अपना 5 है, तो 2ae, तो अल्फा कितना आ गया, 8 आ गया, अल्फा कितना आ गया 2ae, और हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी 5/4, कि हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी हो जाएगी इसका भाई e1 into e2 1 है तो दैट विल बी 5/4, तो उसका क्या होगा, बीटा होगा 2 into 4 into 5/4 दैट विल बी 10, तो अल्फा बीटा आ गया 8.10, ऑप्शन नंबर 2 इसका हमारे पास आंसर हो गया। तो फटाफट हमने 2 क्वेश्चन निपटा दिए हैं, पेपर में भी आपको इसी तरह से ही निपटाने थे बच्चों, कि भाई पेपर में भी हमें इसी तरह से निपटाने थे, सही है। अब हमें दे रखा है हाइपरबोला, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 हमें सर्कल से आया है, बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है कि दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस 2√5 है और पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम से पास होते हैं, मतलब 1.2 और 1.-2 से पास होते हैं, मतलब ये दो सर्कल हैं, ठीक, और ये इनकी कॉमन कॉर्ड है, ये 1.2 है और ये 1.-2 है, तो इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस बतानी थी, इस सर्कल की रेडियस 2√5 दे रखी है, ठीक है। अब सर्कल की रेडियस 2√5 है, ये डिस्टेंस 4 है तो ये आधी 2 हो गई, ये 2√5 है, ये 2 है तो ये कितनी हो गई, अंडर रूट 20 माइनस 2,
which will be under root 16, which will be 4. ये 4 है, 4 plus 4, 8. तो आंसर विल बी 8. तो थर्ड का आंसर हमारे पास क्या आ गया? 8 आ गया. चलिए फटाफट अब हम आ गए हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 पे कि भाई क्वेश्चन नंबर 4 हमें कैसे करना है. क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या दे रखा है? साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स रूट एक्स रखा है. तो देखो ध्यान से देखो, इसको हम टेन इनवर्स रूट एक्स लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन. ठीक है भाई, इसको अगर मैं साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करूं तो टेन इनवर्स रूट एक्स में से लिख सकता हूं. अब इसको करने के लिए एक्स को अगर हम टेन स्क्वायर थीटा रख दें तो ये हो जाएगा टेन थीटा. टेन इनवर्स टेन थीटा कितना हो जाएगा? थीटा. तो हमारे पास थीटा और डी एक्स क्या होगा? dx होगा 2 tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा. ठीक है, इंटीग्रेशन. अब इसको आगे करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? बाई पार्ट. कि भाई मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूं और इसको मैं पूरे को सेकंड फंक्शन मान लेता हूं. ठीक है, अब इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना. फर्स्ट फंक्शन मेरे पास एज इट इज, कि भाई थीटा एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन. अब देखो इसके इंटीग्रेशन के लिए अगर tan थीटा को t माना जाए तो उसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर d थीटा लिखा हुआ है, तो 2t का इंटीग्रेशन है. 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा? t स्क्वायर. तो ये जाएगा tan स्क्वायर थीटा. ये क्या हो जाएगा अपने पास? tan स्क्वायर थीटा माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन 1 * tan स्क्वायर थीटा d थीटा. tan स्क्वायर थीटा को बच्चे फटाफट पे लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 d थीटा. अब यहां पे माइनस sec स्क्वायर थीटा का हो जाएगा माइनस tan थीटा और उसका क्या हो जाएगा? प्लस थीटा प्लस c. तो ये हमारे पास क्या आ गया? थीटा कॉमन आ गया. tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा प्लस सी. ठीक है, अब यहां पे थीटा क्या होगा मेरे पास? थीटा होगा टेन इनवर्स रूट एक्स. टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा? एक्स प्लस वन. माइनस टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा. टेन थीटा होगा माइनस रूट एक्स. ठीक है, तो अगर हम ये कंपेयर करें टेन इनवर्स रूट एक्स तो ए एक्स कितना आ गया? ए एक्स मेरे पास आ गया एक्स प्लस वन. ठीक है, और मैं अगर बी एक्स की बात करूं तो bx मेरे पास कितना आ गया? माइनस रूट एक्स. तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 ही हो गया. क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक बच्चों अपना काम हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और फटाफट. मैं इसे रियल टाइम में इसलिए कर रहा हूं जिससे बच्चों को आइडिया रहे कि कैसे फटाफट करना था. क्वेश्चन नंबर 5, अरे ये क्या क्वेश्चन दे दिया. ये तो मेरे सीधे सीधे लेक्चर नोट्स में बिना डेटा चेंज करे क्वेश्चन करता हूं. मतलब बिना डेटा, ये कुछ 3 ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है. द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मैं तो आंसर भी याद होगा 7/18 आता है शायद इसका आंसर. तो 18 लैम्डा 7 आंसर आ जाएगा, इस पर देख लेना आप, है ना. द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. अब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स नोट्स उठा के देख लेना और कमेंट बॉक्स में बताना कि नोट्स में है या नहीं है. डेटा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है. जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ाया है तो उन्हें बिल्कुल डेटा एग्जैक्टली सेम मिलेगा कि हाँ ये डेटा भी सेम है. तो डेटा तक अंतर नहीं है. अब द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, अब द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इसके लिए हम जनरल टर्म लिखते हैं 9cr 3/2 की पावर 9 माइनस आर एक्स की पावर 18 माइनस 2r. ठीक है, इसकी पावर आर करेंगे तो माइनस वन अपॉन थ्री की पावर आर और एक्स की पावर माइनस आर, तो ये माइनस थ्री आर कर जाएगा. ये जीरो होना चाहिए तो आर सिक्स होना चाहिए. आर सिक्स होना चाहिए तो क्या हो जाएगा? 9c6 3/2 की पावर 3 और माइनस वन अपॉन थ्री की पावर 6. कैलकुलेशन कर लेना, 7/18 आएगा भैया. ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 5 कि भाई क्वेश्चन नंबर 5 में आखिर क्या करना था. क्वेश्चन नंबर 5 के बाद लड्डू क्वेश्चन था, भयंकर लड्डू था ये तो यार. क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा सा ठीक ठाक मान सकता हूं कि z1 -1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1. अब z1 -1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1, तो मोर z1 -1, मान लो z को x + i y माना है. ठीक है, फॉर रियल पार्ट ऑफ z1 ये x1 मान लिया हमने, तो ये हमारे पास क्या बनेगा बच्चों? x1 -1 का होल स्क्वायर. मैं xy ले लेता हूं फिलहाल और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. भाई अंडर रूट आएगा, मैंने इसलिए दोनों साइड स्क्वायर कर दिया. रियल पार्ट ऑफ z1 क्या होगा? x. दोनों ही सेम है तो मतलब इसके दो रूट्स होंगे. इसको सॉल्व करें तो y स्क्वायर -2x, उधर भेज देता हूं -2x -1,
तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 1 ही आ गया। तो x1 y1 इसको भी सेटिस्फाई करता है, x2 y2 इसको भी सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब हमारे पास क्या है, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x1 माइनस 1 एंड y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x2 माइनस 1। इसमें से इसको माइनस कर दिया, y1 प्लस y2, ठीक, y1 माइनस y2 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स x1 माइनस x2। सही थी, ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास आ गया, अब इसको इसमें एक रिलेशन दे रखा है, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस जेड टू। बच्चों तो आर्गुमेंट क्या होता है, जेड वन माइनस जेड टू क्या होगा, एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस वाई वन माइनस वाई टू बाय था। पक्की बात है इन्होंने कुछ ना कुछ एक्स वन वाई वन में दे रखा होगा कि जिससे हम सीधे रेसिप्रोकल लिख पाए, ठीक है। तो हमारे पास वाई वन माइनस वाई टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू टेन पाई बाय थ्री, टेन पाई बाय थ्री विल बी रूट थ्री। तो y1 माइनस y2 कितना हो गया, रूट थ्री एक्स वन माइनस एक्स टू। तो y1 प्लस y2, y1 माइनस y2 हो गया रूट थ्री, एक्स वन माइनस एक्स टू कट गया टू। तो y1 प्लस y2 कितना हो गया, टू बाय रूट थ्री। ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट। देख लो फटाफट होते जा रहे हैं क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन वन लाइनर है, है ना भाई। कुछ थोड़े बहुत ही ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चनों में कुछ जान है, मतलब नॉर्मल भाई। जिस बच्चे ने ढंग से तैयारी करी है वो इनको सबको फोड़ सकता है। सेवन, द प्रोबेबिलिटी दैट फाइव डिजिट नंबर दैट मेड एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट डिजिट, कि भाई फाइव डिजिट नंबर है और वो एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट डिजिट से हमारा मिलके बना है, ये थोड़ा सा ठीक ठाक दिया है ना। अब देखो एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट डिजिट से मिलके बना है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले टोटल देख लेते हैं कि टोटल हमारे पास कितना होगा, 9 इंटू 10 की पावर 4। फाइव डिजिट नंबर है ना, तो पहली पोजीशन पर 9 और बाकी 10 10 10, तो 9 इंटू 10 की पावर 4। अब यहाँ पे उसके बाद हम आगे चलते हैं, भाई दो डिस्टिंक्ट डिजिट लेनी है केवल, ठीक, दो, तो वो उसमें से एक जीरो हो भी सकता है, एक जीरो नहीं भी हो सकता। मान लो जीरो नहीं है तो पहले 9 में से कौन सा दो है, 9 सी 2, ठीक। मान लो 1 और 2 है और 1 और 2 से 5 डिजिट नंबर बनाना है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन, यहाँ पे दो ऑप्शन, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, तो 2 की पावर 5 हो गया। लेकिन एक केस ऐसा होगा जब सारे 1 होंगे, एक केस ऐसा होगा जब सारे 2 होंगे, तो वो दो केस इसमें हमें माइनस करने हैं, तो 2 की पावर 5 माइनस 2, सही बात। अब मान लो एक केस वो है जब 0 यूज कर रहे हैं, तो 0 के अलावा जो दूसरे डिजिट है वो नो तरीके से चूज कर सकते हैं, 9C1, हाँ है ना, कि वो हमने 9C1 तरीके से चूज कर ली। अब 9C1 तरीके से हमने वो चूज कर ली, इसके बाद हमारे पास क्या हुआ भैया, 9C1 तरीके से चूज करने के बाद मान लो 1 और 0 आई, ठीक है। अब 1 और 0 आई तो यहाँ पे भैया 5 डिजिट नंबर है तो यहाँ तो बनाना जरूरी हो गया, यहाँ पे 010101010 कुछ भी आ सकता है भाई, 010101 कुछ भी आ सकता है, मतलब दो ऑप्शन दो ऑप्शन दो ऑप्शन दो ऑप्शन, 2 की पावर 4। लेकिन एक केस ऐसा होगा जो चारों में बनाएगा, 1111, तब एग्जैक्टली टू डिजिट यूज नहीं हुई, एग्जैक्टली 1 डिजिट यूज हुई, तो वाला केस हमने माइनस कर देना है। तो इसको कैलकुलेशन करने से आंसर आ जाना चाहिए, 9C2 कितना होगा, 9 चौक 36, ये कितना होगा 30, प्लस ये कितना होगा 9 15, ठीक, 9 × 10⁴, 9 चौक 36, 9 कटा ये कितना हो गया, 120 + 15 135 by 10 की पावर 4। हम बात करते हैं 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 हमें कैसे करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन 0 to 1, एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन 0 to 1 के लिए f0 × f1 नेगेटिव होना चाहिए। तो किसी भी क्वाड्रेटिक का एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन 0 to 1, तो व्हाट शुड बी द कंडीशन, कि f0 × f1 शुड लेस देन 0 होना चाहिए। अब f0 यहां पे कितना है, 2, तो वो तो पॉजिटिव हो गया ये तो, ठीक है। F1 हमारे पास कितना हुआ, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, ठीक, 1 यहाँ पे कितना हुआ, माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 प्लस 2, तो माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 लेस देन 0, तो लैम्डा माइनस 1, लैम्डा माइनस 3 लेस देन 0, तो लैम्डा कहाँ से कहाँ तक आ गया, 1 से लेके 3। अब 1 से लेके 3 में स्पेशल केस बनते हैं,
क्या स्पेशल केस बोलते हैं कि भाई अगर एक रूट एफ वन जीरो हो जाए तो क्या, मान लो ये जीरो है ये वन है, ठीक है। अब जीरो पे तो पक्की बात है पॉजिटिव आ रहा है, टू आ रहा है, भाई इस तरह का ग्राफ भी तो पॉसिबल है कि एक रूट वन हो जाए और दूसरा रूट जीरो से वन के बीच में हो जाए, तब भी तो एग्जैक्टली वन रूट हमारे पास जीरो से वन के बीच में है। ये स्पेशल केस है, इन जनरल मेंस में स्पेशल केस नहीं पूछते, लेकिन यहाँ पूछा है, अच्छी बात है, थोड़ा सा लेवल उन्होंने अपना बढ़ाया है। तो वैसे एक ऑप्शन ये भी दिया है वन से थ्री, अगर दिया है तो, अगर हमने सही रिट्रीव किया है तो बच्चे कोई गलत करने के चांसेस इसमें ज्यादा है। अब लेकिन इसमें हम बात करें कि एफ वन अगर जीरो है तो एफ वन जीरो है तो दो वैल्यू आ रही है, लैम्डा वन आ रही है और लैम्डा थ्री आ रही है, ठीक है। अब लैम्डा वन है तो हम लैम्डा अगर वन रखें तो देखो ये इक्वेशन क्या बनेगी, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, मतलब दोनों ही रूट वन आ गए, तो एग्जैक्टली वन रूट उसके बीच में हुआ क्या, नहीं हुआ, तो वन वाला हमारे पास रिजेक्ट हो गया। अगर हम लैम्डा थ्री ले तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया, टू बाय टेन, टू बाय टेन है ना प्रोडक्ट ऑफ रूट, यहाँ पे थ्री रखेंगे टू बाय टेन आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट, सही बात है। अब एक रूट वन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट टू बाई टेन है, तो दूसरा रूट वन बाई फाइव हो गया। अब वन बाई फाइव के जीरो से वन के बीच में है, यस, तो थ्री हमें इंक्लूड करना चाहिए, तो वन से लेके थ्री, तो वन से लेके थ्री है ये ऑप्शन, दिस इज ऑप्शन नंबर वन से लेके थ्री, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर एट, ये क्वेश्चन नंबर एट हो गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर एट का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर एट के बाद क्वेश्चन नंबर नाइन, अरे मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछना मुझे लगता है कि बोनस देने के बराबर है, मतलब इससे फिर अंतर नहीं आ पाएगा किसने मेहनत करी किसने मेहनत नहीं करी, मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे ये तीन हमें वर्टिसेस दे रखे हैं ए बी सी और ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी पूछा भी है, तो क्या बताऊँ इसके बारे में यार है। तो वर्टेक्स रखा है माइनस वन कोमा सेवन माइनस सेवन कोमा वन एंड फाइव कोमा माइनस फाइव, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, भाई इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालोगे क्या आएगा अपने पास, सिक्स और वन सिक्स माइनस ट्वेल्व माइनस वन बाई टू इसका स्लोप आ रहा है, तो स्लोप इसका कितना जाएगा, टू आ जाएगा, ठीक है। इसका स्लोप टू है, सॉरी इसका नहीं, इसका स्लोप टू है, इसका स्लोप टू आ जाएगा, इसका स्लोप टू आ जाएगा, तो टू स्लोप की लाइन जो माइनस वन कोमा सेवन से पास होती है, टू स्लोप की लाइन क्या होगी, टू एक्स माइनस वाई, वन माइनस वन कोमा सेवन से पास होती है तो प्लस नाइन एस इक्वल टू जीरो, सही। इसी तरह दूसरे निकालेंगे, दूसरा निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास, इसका स्लोप निकाल लो यार, इसका स्लोप क्या होगा, 12 माइनस सिक्स माइनस टू इसका स्लोप है, तो इसका स्लोप कितना होगा, 1/2, तो 1/2 स्लोप की लाइन, 1/2 स्लोप की लाइन क्या होगी, x माइनस टू वाई है ना, और माइनस सेवन कोमा वन से पास होती है, माइनस सेवन कोमा वन से पास होती है तो प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो, ठीक। अब इनको सॉल्व करना है, अब इनको सॉल्व करना है तो भैया क्या करा जाए, इससे 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस कर दो, 4x माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया, माइनस 3, x माइनस 3 रख दो तो y कितना जाएगा, आ जाएगा भाई मेरे पास x माइनस 3 रख दिया हमने यहाँ पे, तो y उधर गया, y कितना जाएगा 3, तो माइनस 3 कोमा 3 ये हमारे पास इसका कॉन्स्टेंट, ये लड्डू है, मतलब लड्डू का भी लड्डू हम बोल सकते हैं इसे, है ना। तो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूँ। ये हमें m arithmetic means and 3 geometric means are inserted between 3 and 243, ठीक है? Such that second geometric mean, अब अगर हम 3 geometric mean insert कर रहे हैं तो उसका ratio क्या होगा, b upon a, मतलब 81 की power 1/4, मतलब 3, तो second geometric mean g2 कितना होगा, 27 है ना, 3 first term a है, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन 9 होगा, फिर वो 27, तो सेकंड ज्योमेट्रिक मीन 27 इज इक्वल टू फोर्थ अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो 3 प्लस 4 टाइम्स 4d, 3 प्लस 4d, फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या लिखेंगे, 3 प्लस 4d, d कितना होगा, b माइनस a, 240 अपॉन m प्लस 1, सही। तो बस ये बराबर दे रखा है, तो ये 24 इज इक्वल टू, ठीक है, 4 into 240 upon m plus 1, तो ये हो गया 10,
तो एन प्लस वन बराबर 40, तो एन बराबर 39, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन। तो ये जो पहले 10 क्वेश्चन थे ये तो बहुत ही आसान तरीके के थे, इसमें कुछ ज्यादा ऊंच नीच नहीं थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो ये आगे 8 क्वेश्चन और हैं जो जेई मेन 2020 थर्ड सेप्टेम्बर सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो हम इनके भी फटाफट क्विक सोल्यूशन देखते हैं कि इनके भी क्विक सोल्यूशन कैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दे रखा है, a normal is drawn to the parabola y square is equal to 4x at 1,2. 1,2 है मतलब t कितना है 1. तो what is the equation of normal? Normal की parametric form में होती है equation y is equal to minus tx plus 280 plus 80 cube. तो y is equal to minus x plus 280 plus 80 cube. उससे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा. ठीक है? अब ये x axis को जहां meet करता है वहां पे y 0 होगा, तो मतलब ये x axis को 3,0 पे meet करता है। अब इन्होंने कहा है कि y is equal to e की पावर x, ये जो कर्व है x is equal to tan c पे tangent, ठीक है, और इस पे normal, दोनों x एक्सिस पे सेम पॉइंट पे मिलते हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमारे पास y is equal to e की पावर x जो कर्व है उसकी टेंजेंट की क्वेश्चन होगी y माइनस y1, मतलब e की पावर c लिख लेते हैं, स्लोप e की पावर x, e की पावर c लिख लेते हैं, x माइनस c, दिस शुड बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन है। अब ये टेंजेंट 3,0 से पास होती है, 3,0 से पास होती है, तो माइनस e की पावर c 3 माइनस c, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस c, तो c बराबर कितना आ गया 4, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 4, कि भाई इसका आंसर हमारे पास कितना है 4। लड्डू क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद, इसके बाद 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, सिंपल सी एपी दी है, डिक्रीजिंग एपी दी है, ठीक है, 20 19 3/5, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, -2/5 इज द कॉमन डिफरेंस। अब यहां पे सम ऑफ द टर्म 488 दिया है, कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, कैलकुलेशन में हो सकता है थोड़ी सी गुणा भाग हमें करनी पड़े। अब यहां पे nth टर्म नेगेटिव दे रखी है, तो डेफिनेट बात है क्वाड्रेटिक बनेगी, दो आंसर आएंगे, तो जो बड़े वाला n है वो आंसर होगा, क्योंकि पहले वाला n तो पॉजिटिव देगा nth टर्म, और जो छोटे वाला n है वो पॉजिटिव देगा, और जो बड़े वाला n है क्योंकि घट रही है ना, भैया हमारे पास ये घट रही है, तो हम इसमें बस फॉर्मूला लगाते हैं n by 2 into a, a कितना है हमारे पास 20, plus n minus 1 into d, d कितना है -2/5 is equal to what 488, ये is equal to 488 हमारे पास आ गया। अब is equal to 488 हमारे पास आ गया, 2 उड़ गया, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया 101 minus n है ना into n upon 5 is equal to 488, this that is equal to what 488 हमारे पास ये आ गया। अब 488 into 5 भाई, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, n square minus 101 into n plus 488 into 5, 488 40 की 0 आज लगा 4 बस 40 44 20 2440, ये हमारे पास आ गया 2440। इसके फैक्टर अगर हम देखें 40 और 61, थोड़ा हो सकता है बच्चों को फैक्टर करने में परेशानी आए, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 40 and 61 हमारे पास इसके फैक्टर होंगे, तो मैं n कौन सा बोल रहा हूँ, बड़े वाला n हमारे पास आंसर आएगा, तो वैल्यू ऑफ n विल बी 61, तो इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास 61 इसका आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन लड्डू था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करता हूँ, 13 इज अगेन स्मॉल इजी प्रॉब्लम। 13 में क्या दे रखा है, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, भाई क्यूब है ए, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया एस कितना होगा, 6 फेसेस होंगे 6a square, तो ds अपॉन dt बराबर 12a da by dt, ये हमें दे रखा है, तो ds by dt हमें कितना दे रखा है 3.6, तो that is equal to what 3.6 हमें दे रखा है, ये 3.6, तो 3.6 हमें दे रखा है वॉल्यूम, ये भाई इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा a क्यूब, तो dv by dt क्या होगा हमारे पास 3a square da by dt, a अलग कर लेते हैं ना, a अलग कर लिया, एक a अलग कर लिया, तो a da by dt की वैल्यू रख दो यहाँ पे भैया, ठीक है, a की वैल्यू रख दो, a कितना 10, 30 भाई हो गया 10 into 3 30 हो गया, और a da by dt कितना हो जाएगा अपने पास
3.6 upon 12 मतलब 0.3, तो 0.3 इंटू आंसर विल बी 9। इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 9 आंसर आ जाएगा। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तीनों क्वेश्चंस में हमें कोई परेशानी नहीं आई। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें ये दे रखा है कि भाई दो लाइंस को कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है और हमें प्लेन की इक्वेशन के साथ साथ पॉइंट्स दे रखे थे सेट ऑप्शंस में कि भाई कौन सा पॉइंट उसे सेटिस्फाई करता है। अब दो लाइंस, जैसे ये प्लेन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये लाइन बी के वेक्टर है, ये लाइन सी के पैरेलल है, तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, बी क्रॉस सी। तो नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा, आई जे के बी 1 1 1 -1 -2 +1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3i कैप, ठीक है, 1 +2 -2j कैप, ठीक, और -2 +1 -k कैप। ये हमारे पास क्या आ गया, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आ गया। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, 3x -2y -z। नोट्स में ऐसा क्वेश्चन खूब कराया जाता है, ये लाइन कहां से पास होती है, 100, ये लाइन कहां से पास होती है, 0 -10। तो कोई सा भी पॉइंट सेटिस्फाई करा दो, जैसे 100 में सेटिस्फाई करा देता हूं, -3 = 0। हो सकता है इसमें कुछ मुझे गड़बड़ लग रही है, हो सकता है ये पॉइंट हमारे पास कुछ और हो सकता है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है जबकि कायदे से सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ और हो मे बी, ठीक है, क्योंकि अगर ये ऐसा है तो लाइंस कैसी होनी चाहिए, लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए। अगर दो लाइंस को कंटेन करने वाला प्लेन है तो लाइंस कैसी होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग, लेकिन अभी मुझे लाइंस इसकी लग रही है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर एरर है, ये तो आप इसे चेक कर लेना यहाँ पे, या तो क्या मतलब कुछ और होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद हम आगे बात करें कि भाई इसके बाद हमारे पास क्या रहेगा। हाँ, लिमिट का क्वेश्चन दिया है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, और हमें ये सब इन्होंने लंबा चौड़ा मामला दिया है। अब लंबा चौड़ा मामला दिया है, हम इसे एल ऑपरेटर से भी जा सकते हैं, भाई अगर एक्सटेंडिंग टू ए है तो ये हो गया 3a² / 1/3, ये हो गया 3a² / 1/3, ये हो गया 4a² / 1/3, ये हो गया 4a² / 1/3। तो एल ऑपरेटर से जाना मुझे लग रहा है बच्चों के लिए ज्यादा आसान रहा होगा इंस्टीड ऑफ पूरी कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो एल ऑपरेटर से अगर हम जाएं तो 1/3 a² + 2x² / -2/3 * इसका डिफरेंशिएशन 4x, ठीक है, -1/3 3x² / -2/3 * 6x, और अपॉन, ठीक है, अपॉन क्या होगा, 1/3 3a² + x² / -2/3 * 2x, ठीक है, माइनस, ठीक है। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/3 4x² - 2/3 8x, x x x हो जाएगा, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पर इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कि भाई इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही होगी। तो आप इस क्वेश्चन को देख लेना, ये अपना क्वेश्चन हो जाएगा, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 में ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसमें हम थोड़ा समेट लेते हैं, हो सकता है वेरिएबल सेपरेट से हो जाए, तो मैं ऐसा करता हूँ dy/dx, भाई ऐसा करता हूँ dy वाले एक साथ ले जाता हूँ, dx वाले एक साथ ले जाता हूँ, इसको इधर लेके गया x³ - x²dy, ठीक है, इसको इधर लेके गया तो y कॉमन आ गया 2 - x dx, ठीक है, y वाले एक साथ, तो dy/y = 2 - x, इसको हमने x² कॉमन ले लिया, x - 1 dx। अब हमें वेरिएबल सेपरेट हो गए बच्चों, वेरिएबल सेपरेट होने के बाद इसको इंटीग्रेशन करना है। अब भैया इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान है, इसका इंटीग्रेशन ln y आ गया, ठीक, रही बात इसके इंटीग्रेशन की, तो इसका इंटीग्रेशन हमें क्या करना होगा, 2 - x / x² × x - 1 को a/x b/x² c / x - 1 हमने लिखा, पार्शियल फ्रैक्शन, हमने ये किससे कर रहे हैं भाई, पार्शियल फ्रैक्शन से कर रहे हैं। अब हमने इसमें क्या करा, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 - x = ax × x - 1 + bx - 1 + c x square,
x को 1 रखा तो ये 0, ये 0 तो c 1 आ गया x को 1 रखने पे। x को 0 रखा, x को 0 रखने पे b माइनस 2 आ गया, ठीक है भाई। x को 0 रखा, यहाँ पे 2 आ गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये माइनस b, तो माइनस b इज इक्वल टू 2, तो b बराबर माइनस 2 आ गया। अब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पर a है, यहाँ a प्लस c है, तो a प्लस c 0, तो a बराबर माइनस 1 आ गया। तो हमारे पास इस पूरे को हम लिख सकते थे इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई x, ठीक है, और प्लस मतलब माइनस 2 बाई x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। इसका हो जाएगा माइनस एल एन एक्स, इसका हो जाएगा प्लस 2 बाई x, इसका हो जाएगा प्लस एल एन एक्स माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c, ये हमारे पास आ गया। अब कांस्टेंट c की वैल्यू निकालने के लिए हमें y of 2e दे रखा है, तो ln y is equal to this, तो y of 2e दे रखा है, तो x की जगह 2 रखता हूं, है ना, तो ln e हो गया 1, ठीक, y of 2, तो minus ln 2, ठीक, और 2 रखा तो ये हो गया 1, और ये हो गया ln 0, और ये हो गया c, तो ये 1 1 कैंसिल हो गया, c बराबर ln 2 आ गया। सी बराबर कितना आ गया, एलन टू, तो सी की जगह मैंने एलन टू रख दिया भैया फटाफट। अब यहाँ पे वाई ऑफ फोर बताना है, तो कैलकुलेशन के हिसाब से क्वेश्चन ठीक ठीक लग रहा है, ऐसा नहीं है कि सारी कैलकुलेशन पेपर में करने में टाइम लगता है, और टेम्परामेंट यही देखते हैं कि भाई वहाँ पे किस तरह से हम कर रहे हैं। तो फोर रखा तो ये हो गया एलन फोर माइनस टू एलन टू, ठीक, ये हो गया फोर रखा प्लस वन बाई टू, है ना, और 4 रखने के बाद प्लस 1 बाई 2 आ गया, और ये 4 रखा तो ये हो गया ln 3, ठीक, प्लस ln 2, तो ये इससे कटा, ये माइनस आ गया, ln 3 माइनस ln 2 ये हो गया ln 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, तो ln y इज इक्वल टू ln 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, तो y मेरे पास कितना आ गया 3 बाई 2 e की पावर 1 बाई 2, तो 3 बाई 2 e की पावर 1 बाई 2। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन करने के बाद अगर ऑप्शन मिल जाए हमें तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं होती है, है ना। चलिए, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में ये हमें क्वेश्चन दे रखी है, एबीसी में ये रिलेशन दे रखा है, इसका मतलब ए को मैं लिख सकता हूं के कॉस थीटा, बी को मैं लिख सकता हूं के कॉस थीटा प्लस 2 पाई बाय 3, ठीक है, और सी को मैं लिख सकता हूं के कॉस थीटा प्लस 4 पाई बाय 3। अब देखो मजे की बात यह है, ए प्लस बी प्लस सी 0 आएगा हमेशा किसी भी थीटा के लिए, ये बहुत ही स्टैंडर्ड है, ये बहुत बार हमारे सामने आते हैं, थीटा थीटा प्लस 2 पाई बाय 3, थीटा प्लस 4 पाई बाय 3, मुझे तो पता है कि इसलिए मैंने ए प्लस बी प्लस सी का लिख दिया फटाफट 0 लिख दिया। अब ए प्लस बी प्लस सी 0 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 है, तो a plus b plus c का होल स्क्वायर बराबर a square plus b square plus c square which is 1 plus 2 times ab plus bc plus c है, तो ab plus bc plus c ये कितना आ गया minus 1 by 2। अब हमें इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, तो cos theta is equal to ab plus bc plus c 1 by 2 बनेगा upon a square plus b square plus c square 1 बनेगा, तो cos theta minus 1 by 2 है, तो theta कितना आ जाएगा 2 pi by 3। The angle between these two vector will be what? 2 pi by 3। चलिए, अब एक question हमारे पास PNC का है, अच्छा question है, number of 3 digit numbers whose sum of digit is 10, okay? With 3 digit number का sum बताना है, जिनका sum of digit 10 है, क्या बताना है, sum of digit क्या है हमारे पास, 10 है। अब sum of digit is 10, तो sum of digit 10 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे जैसे थ्री डिजिट नंबर है भाई, जैसे यहाँ पे ये तीन डिजिट हो गए मान लो, है ना, ठीक, मैं ऐसा करता हूँ वन से लेके थ्री डिजिट तक का निकालता हूँ, कि वन से लेके थ्री डिजिट तक की, मतलब वन से लेके 999 तक की ऐसे कितनी डिजिट्स हैं जिनका सम ऑफ डिजिट 10 है, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे जीरो भी आ सकता है, वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, नाइन भी आ सकता है, यहाँ पे जीरो वन टू थ्री अप टू नाइन आ सकता है, यहाँ पे जीरो वन टू थ्री अप टू नाइन आ सकता है। अब आप कहोगे सर इसमें तो टू डिजिट भी आएंगे, इसमें वन डिजिट भी आएंगे। अब देखो वन डिजिट नंबर तो ऐसा हो ही नहीं सकता जिसका भाई, वन डिजिट ऐसा नंबर तो हो ही नहीं सकता जिसका सम ऑफ डिजिट 10 हो जाए, टू डिजिट वाले हो सकते हैं, तो वो टू डिजिट वाले हमें माइनस करने पड़ेंगे। अब ऐसा करते हैं भाई, जीरो से लेके नाइन, जीरो से लेके नाइन, जीरो से लेके नाइन, तो एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर वन, एक्स की पावर नाइन, इसका होल क्यूब, और सम ऑफ डिजिट क्या चाहिए, एक्स की पावर 10। मल्टीनोमियल से करेंगे कि x की पावर 10 का इसमें कोफिशिएंट जो होगा वो हमारे पास आंसर होगा,
तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 9 का होल क्यूब, तो ये 3 इधर आ जाएगा, सॉरी 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 1 माइनस एक्स की पावर 10 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3, 3 इधर ले आए, ठीक है, तो माइनस 3 एक्स की पावर 10। तो इसमें x की पावर 10 का कोएफिशिएंट देखना है, तो 1 इंटू एक्स की पावर 10 का कोएफिशिएंट क्या होगा, 2, 12 सी 2, ठीक है, माइनस 3 एक्स की पावर 10 यहां पर है, तो यहां से कांस्टेंट लेंगे इंटू 1, तो 12 सी 2 66 माइनस 3 दैट विल बी 63, 66 माइनस 3 दैट विल बी 63, 63 हमारे पास ऐसे हो गए 1 से लेके ट्रिपल नाइन तक, जिनका सम ऑफ डिजिट 10 है, दैट विल बी 63। ये आंसर नहीं है, इसमें 2 डिजिट हमें माइनस करने हैं, 2 डिजिट वाले माइनस करेंगे, तो 2 डिजिट मान लो ये 2 डिजिट मतलब 1 से लेके 2 डिजिट वाले माइनस कर लो, 1 से लेके 100 वाले, कि 1 से लेके डबल नाइन वाले, कि 1 से लेके डबल नाइन वाले ये काउंट भी कर सकते हैं, 1 से लेके डबल नाइन वाले काउंट भी कर सकते हैं, जैसे 1 से लेके डबल नाइन में सम ऑफ डिजिट्स हमें क्या चाहिए, सम ऑफ डिजिट 10 चाहिए, तो 1 9 19 2 8 3 7 4 6 5 4 6 4 7 3, ठीक, 8 2, उसके बाद 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 नंबर्स ऐसे हैं जिनका सम ऑफ नहीं मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2 9 1, यस, तो इनका सम ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितना है, इनका सम ऑफ डिजिट्स हमारे पास 10 है, तो ऐसे कितने केसेस हैं, 9, तो 63 में से 9 माइनस कर दो, तो 63 में से अगर मैंने 9 माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना आएगा, 63 में से 9 माइनस कर दिया तो बच्चों 63 माइनस 9 आंसर विल बी 54, तो इसका आंसर हमारे पास 54 होना चाहिए। तो अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो ये पेपर कैलकुलेशन के हिसाब से बाकी शिफ्ट के हिसाब से कम है, बाकी शिफ्ट के जो पेपर आ रहे हैं उन शिफ्ट के मुकाबले इस पेपर में कैलकुलेशन कम है। कॉन्सेप्चुअली तो पेपर में कुछ नहीं पूछ रहे हैं, सिंपल फॉर्मूले बेस या जो ऐसे कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं जो हमने पढ़ाए हुए हैं, बस थोड़ा बहुत अटका रहे हैं, तो कैलकुलेशन में अटका रहे हैं, बहुत ही आसान वरना पेपर आ रहे हैं, कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ी हो सकता है टाइम टेकिंग हो, अदरवाइज क्वेश्चंस अपने पास नॉर्मल लेवल के ही हैं। तो ये बच्चों अपने पास 3rd सितंबर शिफ्ट 2 का पेपर था और उसके सॉल्यूशन थे, ठीक, थैंक यू वेरी मच। अपने कोई क्वेश्चंस हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दें, और कोई इसमें क्वेश्चंस में ऊंच नीच हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि भाई क्या है अपने पास क्या नहीं है। थैंक यू वेरी मच।